हम जा रहे हैं अभी अदीबा के आगे नहीं खुल रही धूप में, मेरी खुद के लिए खुल रही है वैसे। ये छड़ी हुई अदीबा अभी हम लोग निकले अदीबा के हॉस्पिटल के लिए। तकरीबन 10 मिनट का रास्ता हमने तय कर लिया था, फिर हमें ख्याल आया कि हमने फाइल तो ली नहीं अदीबा की। फिर हम लोग वापस आए वहाँ से और अब इधर घर गए फाइल लेने के लिए। अब देखें फाइल लेकर आएंगे फिर दोबारा निकलेंगे, और ऑलरेडी 11 बज चुके हैं और 1 बजे उनका ब्रेक हो जाता है, और फिर उसके बाद वो 2 घंटे का 3 घंटे का ब्रेक होता है। पता नहीं, शायद सुना है मैंने कि 4 बजे फिर वापस वो लोग करते हैं रिज्यूम। अब देखते हैं क्या है, कितना टाइम लगता है कितना नहीं। वैसे उम्मीद है कि आधे घंटे में पहुँच जाएंगे, इतना दूर नहीं हो लगी हमारे घर से, 15 मिनट का रास्ता है। बट ये कि अगर ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी है आज, तो अगर ट्रैफिक ना मिला तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये है, देखो अभी आते हैं फाइल लेकर फिर हम दोबारा जाएंगे। और ये आ गई है फाइल फाइनली। किसने डबल पार्किंग कर दिया गाड़ियों के आगे? तो सारे निकलने कैसे बोल। चलो भाई चलो अभी चलो और अब हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि हम जिस काम को आए थे वो काम हुआ नहीं। मैं छोड़ दूँ इसको, एक मिनट संभाल लेंगे आप। हाँ चलिए ले चलेंगे, अंदर तो नहीं। अच्छा बेटा कम कम कम। हम आए थे दानल का चेकअप करवाने के लिए, तो वो भी नहीं हुआ। अदीबा की वैक्सीनेशन भी नहीं हुई है, तो सारे डॉक्टर यहाँ पे शाम में आए। हाँ हम लोग सुबह आए कि जल्दी जल्दी काम चलेगा, 9:30 बजे चले भाई ना। हम जल्दी आए सुबह, उठे भी जल्दी, जबकि मेरे तो आँखें नहीं खुल रही है सुबह। हम लोग 5:30 बजे थे सुबह, अदीबा जो है वो जगाती है ऑब्वियसली। बट ये कि फिर भी ज़बरदस्ती हम उठे सब, बट हमारा मकसद पूरा नहीं हो पाया। सो ओके कोई बात नहीं। अब वो कह रहे हैं कि अभी सिर्फ आई का डॉक्टर बैठा हुआ है, शाम में 4 बजे से बैठेंगे डॉक्टर्स, बाकी जो होते हैं मतलब दीवार और बच्चों के और बाकी जनरल फिजिशियन वगैरह, तो वो बैठेंगे आ जाओ 4 बजे। उसके बाद और अभी 12:30 बज रहे हैं, जाहिर सी बात है अभी तो हम वेट नहीं कर सकते इतना सारा, 4 घंटे हम कैसे वेट कर सकते हैं। तो फिर अब देखते हैं क्या करना है, कहाँ जाना है। Let's see. गैलरी भाग भाग के जा रहे हैं
धूप काफ़ी तेज़ है। अदीबा को नींद आ रही थी, मैंने उसको उठा दिया नींद से चौलों में बैठाने के लिए, तो वो तंग कर रही है मुझे। टेम्परेचर चेक, ऐसा पूरा रात भर खाली पड़ा हुआ है। खाना वाना खाए पहले तो सबसे पहले खाना खाएंगे, ये सही है। हमें रात भर घुसते खाना खाते हैं, सुबह भूख लग रही है यार। यार कोई मसला नहीं, जब मूड बना लिया तो खर्चा कर देगा। मुझे ना पता है मूड बनाना पड़ता है। क्या हुआ? और ये दीवा यहाँ पर आके बैठ चुकी हैं। हमने भी ये सीट की है, उधर आया कि बैठे आज हम। मेरे पास है काफ़ी हद तक खाली है, बस करीब करीब कुछ लोग बैठे, बाकी पूरा खाली है। ये सबसे मज़े का व्यू जो है वो पीछे है। अभी बस हम लोग खाएंगे पियेंगे, फिर कुछ शॉपिंग करनी है वो करेंगे। अगर फिर 4:30 हो जाते हैं तो हम लोग जाकर फिर अरमिशारे जाएंगे और वहाँ पर जाके अदीबा का बस स्टेशन करवा लेंगे। बट अगर हम जल्दी फारिग हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली हमें घर जाना पड़ेगा। तो ये है, अदीबा किधर लेके जा रही हैं आप इसे? दियो अपने शूज़ लेने आई हूँ मैं। यहाँ पर वैराइटीज़ काफ़ी है, यहाँ पर शूज़ की शूज़ एक्सप्रेस है, काफ़ी बड़ा स्टोर है। बैग्स वगैरह भी है, शूज़ भी हैं। मुझे एक शूज़ चाहिए और एक जो है वो कैजुअल है, दानियाल के बारी, और इन्होंने पसंद कर लिया है, ये मैंने भी पसंद कर लिया। देखो एक दफ़ा में पसंद किया, मैंने भी दिखाया, दिखाने वाले था आपसे। हाँ आए बड़े। हाँ और ये दिखाते हैं जैसे उल्टे सीधे चप्पल दिखाते हैं कि इंसान देख के बोले कि यार क्या मतलब। हाँ ये मेरे अब ये करते हैं, मेरे पापा वाले हरकत करते हैं, बस जल्दी जल्दी लो चलो। ये दोनों हो गई, अब अदीबा की बारी है। अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छे हैं शूज एक्सप्रेस पे, जिसको भी चाहिए शूज़ वगैरह, याद में उसको नहीं पता वो ले सकता है। लड़कों की ये सब भी हैं चीज़ें, जैसे वॉश वगैरह और जो अदीबा का भी डन हो गया शूज़। हमने शूज़ ले रहा है ना, सैंडल देखे अभी मेरे हाथ में, बाहर से नाप लेते हैं, उतार देती है। ये रहा ना, ये रहा शूज़। नहीं नहीं तुमने जो ये इस तरह का रखा था ना कंट्रोल से, ये रखा बेहतरीन, ले लिया बड़ा सही सही। देखिए ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, सुना ऐसे लगे बत्तख देखा, पानी भी सना कर दिखा दें इसको।
हम नहीं गए। और ये दीवा ने शूज़ पहन लिए थे क्योंकि दीवा बार बार अपने शूज़ उतार रही थी, इसलिए हमने उनको पहना दिया। अब मैंने कहा आप भी पहन लेंगे कि आपकी शर्ट से वो मैच कर रहे हैं। तो इन लोगों ने अपनी चप्पल उतार रही डाल दी है, इंस्टेंट शॉपिंग और चप्पलें जो हैं वो डाल दी पुराने वाले जिसमें शॉपर में नहीं लेके आते उनको डाल दी। और ये तो मुझे बहुत क्यूट लग रही है दीवा। अब मैंने पाकिस्तान में देखा भी नहीं ऐसे बच्चों के शूज़ तरह मैं पहनी हुई हूँ, इस तरह का शूज़ है सेम कपड़े का। चलो कड़क टी अभी मैं कब आने वाला होगा मेरे घर से, शुगर ले लेगा एक्स्ट्रा क्योंकि और ये पाकिस्तान कह रहे हैं कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं भाई, तो पकता है थोड़ा थोड़ा बात करो ना। अदीवा अदीवा मैं इसको पकड़ा था कैमरा को पकड़ानी, आपका फेस भी पाकिस्तानी लगी नहीं रहा क्योंकि ये भी ब्राउन है ऊपर से भी ब्राउन है, इंग्लिश ही लग रहे हो। सही क्लास क्लास टेक बिल थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू बाय बाय दादा चाय इतने मज़े की इस वक्त लग रही है और वाकई में बहुत मज़े की चाय है। अगर ये जान लाया तो मैं कुछ चखाऊंगी, बहुत अच्छी चाय। ये है तरीका अदीवा साहब को काबू में करने का। वरना तो ये बैठ ही नहीं रही थी, सिर्फ आगे जा रही थी चीज़ रही थी, मैंने कहा बैठाना तो फिर ये करना पड़ेगा। तो मैंने चाय पी बैठ कर। ये चाय थोड़ी तो वो है एक्सपेंसिव बट नो डाउट बहुत ही यमी है, बहुत ही मज़े की है। कड़क फुल चाय पगह उतर गई मेरी तो, और जबकि मैं चाय पीती नहीं थी बिल्कुल भी नहीं पीती थी मैं चाय, ये मैंने बन भी रही हो तब भी नहीं पीती थी। और इन दानियाल के साथ पीती क्या ना मैंने कहा एक घूंट दे दें आखिर का एक घूंट दे दें वो कर करके मेरी भी आँख पड़ गई। और आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि चाय ना पीने से मैं सर में दर्द हो रहा और पी के सही हो गया, तो मैं अभी चर्सी बन गई चाय की जगह मैं कभी नहीं चाहती थी, अभी मैं ऐसा अपने कार खत्म करूँगी चाय पीने की। दानियाल जो है अपने जूस लेकर आया कि मैंने चाय पी तो अभी जूस पियेंगे। मुझे चाय की तलब नहीं हो रही थी, मुझे जूस कुछ ठंडा चाय चाहिए था। इसमें चल रहे ना लेकिन घर में लग रही है। और अब हम यहाँ लिफ्ट से नीचे जाएंगे, नहीं फर्स्ट फ्लोर पे हैं एकदम नीचे हैं क्योंकि सब हमारे जो चीज़ें नहीं हैं सब फर्स्ट। अभी हम हैं गैप में और मैं थक चुकी हूँ सही वाला इसलिए बैठ गई हूँ मैं यहाँ पर। ये पसंद करके दिखा रहे हैं मुझे, बस मैं है ये सुन बोल रही हूँ एक मैंने ये पसंद की है, ये अच्छी है बहुत। और फिलहाल मैं इसलिए बैठी हुई हूँ, अभी बस सो रही हैं, इनके देखो कब शॉपिंग कंप्लीट होती है। दल चूज़ें ऐसे बहुत, और जो उनको पसंद आता मुझे नहीं आता, जो मुझे आता वो उनको नहीं आता, इसलिए हम लोग जो है ना फंसे रहते हैं। और मुझे लग रहा है कि टाइम तो यहाँ पर हो ही जाएगा डॉक्टर के पास का, क्योंकि जो है वो अभी भी हमें 3 तो बज गए तकरीबन, थोड़ा टाइम ही और है बस, 4:30 तक वो बैठेंगे डॉक्टर्स। तो बस ये है, और ये दानियाँ इतना थक गए कि ये ऊपर है नेक्स्ट शॉप ये रही है बिल्कुल सर के ऊपर इनके नजर आ रही है, और ये यहाँ बैठ कर सर्च कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है, अगर ट्रॉलर मिलेंगे तो फिर जाएंगे बड़ा ऊपर ही जाएंगे। ये थक गए चलते चलते यार पेड़ियाँ दुख गई मेरी सर, बाकी 12:30 से हैं हमें यहाँ पर, 12:30 1 से और अभी 4 बज रहे हैं, हम सैफोरा की वेट पे हैं, सैफोरा बंद है इस वक्त, नमाज के लिए बंद है ना सर, नमाज के लिए बंद हुआ था अब खुल रहे हैं। ऑनलाइन एंड इन स्टोर सेल 20 से 60% वहाँ पर सेल लगी है, तो या तो पढ़ के देख लेना अच्छा ऑनलाइन पर है, पहले देख तो ना क्या क्या मिल रहा है। ये रहा मैक्स, किसी ने मुझसे पूछा भी था कि मैक्स शॉप है क्या, तो ये रही मैक्स शॉप फ्लैट गैलरी के अंदर, ये रही सैफोरा, वो रही NYX, सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पर, अप टू जीन्स जॉगर्स एंड शॉर्ट्स, जीन्स जॉगर्स एंड शॉर्ट्स। ये हमारे बेगम जो हैं मुझे लूटने का पूरा प्रोग्राम बना रही हैं सैफोरा से, ये देखें फिलहाल ये एक चीज़ ले ली इन्होंने, पत्नी क्या है ये
फाउंडेशन अच्छा ये मेरी खत्म हो रही थी, इससे मैंने दूसरी ली, आधी उससे भी कम हो गई थी, मैंने कहा बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मैं बैकअप पर रहना चाहिए। ये हो गई मेरी शॉपिंग सारी टकोरा की, इट्स वेरी गुड। और ये आ गया देखो ज़रा फिर कुछ लेकर। ये मेरी शॉपिंग कम्प्लीट हो चुकी है। मेरी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। शॉपिंग कंप्लीट हो गई है मेरी। ये है मेरा सेफोरा का शॉपर मेरे साथी, ये रहा। और उससे मैंने बहुत सारा सामान लिया, मैं खरीदा कभी खाऊंगी आप लोगों को लिस्ट करा मैं तुझे उठा ली। जब बोलते ना हस्बैंड जो दिल चाहे लो प्राइस मत देखो, तो फिर ऐसा ही होता है। लेकिन अच्छा खासा सामान ले लिया और हर चीज़ जरूरत की थी काफ़ी जरूरी। और एक मैंने लिया ब्लैक हेड रिमूवर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे ब्लैक हेड ज़्यादा हो गए बहुत, तो मैंने कहा इस दफ़ा इनका ट्राई करके देखते हैं, वरना मैं जो हूँ बाकी और कंपनीज का ले रही होती हूँ। क्योंकि उसने मुझे हाथ पर ट्राई करके दिखाया 10 मिनट रुक कर, पूरा ऐसे इतना पील ऑफ हो रहा था तो मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ले लिया। अब देखिए मैं आपको रिजल्ट बताऊँगी कि क्या है उसके रिव्यूज़, फिर जो है वो बताऊँगी मैं आपको। चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा।